आरुष, मेरी समझ में नहीं आता, जब भी तू कसीनो में आता है इतना दुखी क्यों लगता है? जब जब मैं आता हूं लोग हारते हैं और मुझे रियलाइज होता है कि मैं कितना हारा हुआ हूं। तो फिर तू कोई और नौकरी क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि मैं जहां भी नौकरी करता हूं अपनी बुरी किस्मत की वजह से निकाल दिया जाता हूं। लेकिन ये कसीनो ही ऐसी जगह है जहां मुझे बुरी किस्मत की वजह से पैसे मिलते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? बस आज लास्ट डे है, आज के बाद सब बदलने वाला है। वो कैसे? बताता हूं। मेरी कुंडली में लिखा है कि जिस दिन मेरी शादी अपने सच्चे प्यार से होगी ना, मेरी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। ये देख, अब वो दिन दूर नहीं। मैं प्रपोज करने वाला हूँ पूजा को। पूजा, विल यू मैरी मी? नो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? What's wrong with me? Everything. जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो, everything has gone wrong. 6 बार तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है। I've lost my job. I've lost my friends. कल पता है क्या हुआ? I lost some hair also. Listen, Arush. You're very sweet. मगर तुम पनौती हो। मैंने अपने भैया को भी जब बताया तुम्हारे बारे में, उन्होंने भी कहा कि जिस आदमी की नौकरी उसकी बैड लक की बदौलत है, वो मेरी किस्मत के लिए कैसे अच्छा हो सकता है? और वैसे भी उन्होंने मेरी शादी किसी और से फिक्स कर दी। ट्रू लव की दिल से मांगे दुआएं, किस्मत पलट के ठेंगा दिखाए, लड़की से बोले मैरी मी बेबी, वो बोले ओवर माय डेड बॉडी में भी। पनौती, कैसा पनौती, दुनिया में कहीं देखा ही नहीं। ही सच अ लूजर, ही सच अ लूजर, ही सच अ सच अ सच अ सच अ लूजर, ओ सच अ लूजर, व्हाट अ लूजर, ही सच अ सच अ सच अ सच अ लूजर, ही सच अ लूजर, ही सच अ लूजर, ही सच अ सच अ सच अ सच अ लूजर, ओ सच अ लूजर, व्हाट अ लूजर, ही सच अ सच अ सच अ सच अ पूजा, पूजा, ओपन द डोर। पूजा, हैं? मेरी बहन से दूर रहना, समझे? Bloody loser. लूजर कहीं का। आरुष, पाजी, तुसी जा रहे हो? हाँ। लगता है तुझे मकाओ रास नहीं आया। मुझे तो दुनिया रास नहीं आई। तो फिर कहाँ जाएगा? दुनिया में एक ही आदमी है जो मुझे पनौती नहीं समझता। हम लंदन में साथ साथ बड़े हुए, साथ गिरे, साथ संभले, काम भी साथ ही में किया। बचपन से उसने मेरी बुरी किस्मत को झेला अपनी अच्छी किस्मत समझकर। मैं उसके पास जा रहा हूँ, मैं अपने घर, मैं लंदन जा रहा हूँ, लंदन। You never change. Whatever. I'm off now. Off? Yeah. I need to look after my baby. Oh, good luck. Yeah. Ladies and gentlemen, most of you know me. I'm Kishore Samtani, the owner of this fabulous casino. But I'm Hindi. I want to speak in Hindi. Because when I'm in Hindi, I don't understand you. And my words are also falling. 200 साल तक आप लोगों ने मेरे देश को लूटा है, इसलिए मैंने लंदन में आके ये कैसीनो खोला है तुम लोगों को लूटने के लिए। प्यारे कुत्तों, तालियां हैं, तालियां हैं।
मेरे फिरंगी जुआरियो, the next round of drinks are all on me to celebrate the second anniversary of my star dealer, Baburao to Heto. Baburao, ready for dinner tomorrow. Pio, Baburao, Baburao. Thank you. Kim? For being my wife. मेरे कारण दो साल से तुम्हारे पापा ने तुमसे बात तक नहीं की. Happy anniversary. To you too. I love you. What's up, Bob? Hi, Bob. Hey, come join us, man. Oh, me and dancing with you? No way, guys. Good night. See you later. I love you. Okay, I love you too. I love you. Buzz. I love you. I love you. प्रादा, तेरी तो अरे प्रादा के लिए आई लव यू और मेरे लिए क्या? छोड़ो ना. अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? दो साल हुए शादी को. तुम्हारा एनिवर्सरी सरप्राइज ऊपर है. सरप्राइजेस? आई लव सरप्राइजेस. तो थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाओ. बाद में क्यों? बाद में क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में विक्टोरिया सीक्रेट इज नॉट गोना बी अ सीक्रेट एनीमोर. विक्टोरिया सीक्रेट्स. लिंगरी. लिंगरी. मेरा पिंजरा तो खोल, तुझे मारेगा ना. मेरी क्यूटी पाई हुई हुई और के रजाई हुई हुई वाह वाह विदाउट अंगड़ाई हुई 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 चमाइला निगना हुई 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 यह मैं हूँ तुम्हारा पति, तुम मेरी लुगाई हुई हुई हुई. तुमने मेरे लिए पहनी है लिंगरी और मैं तुम्हें दूंगा तुम्हारे प्यारे प्यारे हाथों के लिए काटियर की घड़ी. तुम्हारे खूबसूरत बाहों के लिए दूंगा कुछ का हुई 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 हुई. और तुम्हारे खूबसूरत गालों के लिए दूंगा जिलेट का रेजर. जिलेट का रेजर. टन टन. बेबी ये आरुष है, ये मेरा दोस्त है. नमस्ते आरुष, ये मेरी बीवी हेतल है. आरुष आंखें बंद कर. अरे मेरी आंखें भी, अपनी आंखें बंद कर. सॉरी बेबी, सॉरी सॉरी. नो बेबी. ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बॉब, भाभी अंदर गई? भाभी अंदर गई? नहीं, बाहर गई. ओह चलो ठीक है, भगवान का शुक्र है. अबे खिड़की के बाहर गई है वो. हाय रब्बा. चल जल्दी. बेबी, बेबी इज माय बेस्ट फ्रेंड. फ्रेंड? फ्रेंड्स इस तरह बिन बुलाए नहीं आते. और अगर आते भी है तो घर में नहीं घुसते. और अगर घुसते भी तो बेड में जाके सो नहीं जाते. प्लीज 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 हेतल, आई नो वो थोड़ा बेवकूफ है इन इन मामलों में, पर ही इज रियली अ स्वीट गाय. सिंपल है, सोने का दिल है, तो दिन की तो बात बात है. जस्ट वन. वो मैंने खिड़की मैंने साफ कर दी है, सारा सामान उठा लिया मैं. वो भाभी जी आपको ज्यादा चोट तो एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि कैसा दोस्त है बिना बताए आ गया, पर भाभी जी बॉब और मैं बचपन से
मैं ना इसे 5 साल भी नहीं मिलूं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मुझे इसकी याद आती है तो 1 सेकंड भी मैं दूर नहीं रह सकता। बस बिना सोचे समझे मैं सारा अपना बैग शैग पैक करके 2-3 हफ्तों के लिए आ गया हूँ, तो 2-3 साल लाइफ को हैंडल करने की मुझ में ताकत रहेगी। आई जस्ट वांट टू बी विद हिम। 2-3 हफ्ते? जी भाभी जी, दो तीन। तेरी बचपन की आदत गई नहीं हकलाने की। यू नो भाभी जी, जब भी ये स्ट्रेस्ड आउट होता है ना तो ये हकलाता है, और आज इज देयर एनी प्रॉब्लम? मैं सोने जा रही हूं। ओके, भाभी जी को बुरा तो नहीं लगा? नहीं यार, डोंट बी सिली। आर यू श्योर इट्स ओके फर्स्ट ईयर? ऑफ कोर्स, ये तेरा ही घर है। 2-3 हफ्ते ज्यादा तो नहीं है ना? नहीं, कम है। बेबी, बेबी जो भी हुआ उसके लिए हम डैम सॉरी बेबी। ओ बेबी, तो हम कहाँ थे? तुम कपड़ों के बिना उसके ऊपर थे और मैं कपड़ों के बिना उसके सामने थी। बेबी ओके, बेबी के प्यारे प्यारे हाथ कहाँ है? गाए 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 गाए। ओ आई फाउंड देम। ओके, बेबी की प्यारी प्यारी आंखें कहाँ है? कहाँ है? शो शो शो। ओ दे दे यार। अब बीबी के किसे बिल्लिप्स कहाँ है? बाथरूम कहाँ है? बाथरूम कहाँ है? तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं नीचे बाथरूम ढूंढ रहा था, मुझे बाथरूम नहीं मिला। बाथरूम जाना है, बाथरूम कहाँ है? थैंक यू। हम कहाँ थे? आरुष, आई थिंक वो घर की सफाई कर रहा है तुम्हारी मदद करने के लिए। I told you, वो तो बचपन से बहुत स्वीट है।
ये तुम्हारी सफाई है? क्रेजी! What's your problem, Bob? You want to compete with me? You making faces at me? You want to battle me? Oh, you got new moves, huh? Show me what you got. क्या हुआ? बाबूराव से झगड़ा हुआ? पगली, ऐसी छोटी छोटी बातों पे झगड़ते नहीं है। जानती है इंग्लैंड में एक अच्छा इंडियन लड़का मिलना कितना मुश्किल है? हाथ से निकल गया तो? पगली, एक्चुअली वेरी गुड आइडिया, तुम उसे छोड़ दो। एज इट इज मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा ही लड़का ढूंढ रहा हूं। मैं देविका की शादी बाबूराव के साथ कर दूंगा। वो बाबूराव के साथ बहुत खुश रहेगी। वो खुश रहेगी तो मैं खुश रहूंगा। जानती है एक बाप के लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर खुशी कुछ भी नहीं। I love my daughter. Really? ये बराबर साफ कर, बराबर साफ कर। पेंटली गाड़ी से पेंटली। हाँ, ये काम कर। ये देखो बटू पटेल फरसान, लोग फरसान नहीं करते, मेरा फोटा देके फरसान खरीदते। आरो द बोर्ड काम कर। ये बराबर ठोक, बराबर ठोक। ये बाजू सही जा चल। नमस्ते शेठ जी। हाँ नमस्ते। तू नमस्ते नहीं करते? महाराज यो सेठ ना माने बटू पटेल। हाँ चलो काम करो। अरे उंगोर बोलता बटू पटेल फरसान बी पची बाको। पापा केम छो? मजा मा? मारी चिंता नहीं करो पप्पा, हूँ बहु खुश छु। बहु बहु सारू छे पप्पा। उसने इस साल 3 फैक्ट्रिया खोल दी है। बिजनेस में 50 मिलियन पाउंड्स का प्रॉफिट हुआ है पप्पा, और हमने लंदन का सबसे बड़ा बंगला खरीद लिया है। हाँ तुम्हारी याद आ गई पापा। अरे गधेड़ा तेरे को कब समझ में आएगा, बंगला कितना भी बड़ा हो पर वो घर नहीं बनता जब तक उसमें परिवार ना हो। अरे परिवार है ना, तू छे ऊ छू भैंस छे बेंटली गाड़ी छे, परिवार हो गया ना? परिवार है, ये परिवार है। और मेरी हेतल का क्या? अरे
पिछले 2 साल से वो तुझे फोन करती है, पापा माफ कर दे, माफ कर दे, और तू है जो उसे माफ ही नहीं करता। अरे तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तेरा दामाद दिखता कैसे। अरे दामाद तो मैंने ढूंढा था, दामाद वो अहमदाबाद का फरसान किंग रमेश सोनी, तुमको मालूम है वो अहमदाबाद में सबसे बड़ा बड़ा बंगला है उसके पास, और वो हेटल वो गई थी लंदन पढ़ने को और वो हकला था, वो वेटर के साथ शादी किया, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अरे तू बाप है या स्टेट एजेंट, बंगला बंगला करता खुद तो झोपड़पट्टी में पैदा हुआ। तू मेरे को बांध दे, मेरा चमड़ी उतार दे, मेरे को बांध के मार डाल, लेकिन मैं उसको और उसके पति को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं माफ करेगा, नहीं नहीं माफ करेगा। चलो चलो काम करो, ये तो डेली एपिसोड है। आई डोंट केयर इफ ही इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन आज तुम्हें उसे इस घर से बाहर निकालना ही होगा। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, तुम्हारे पास बॉब है, तुम्हारी फैमिली है, पर मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि मेरे पास सिवाय बुरी किस्मत के और कुछ नहीं है। I'm sorry. अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं जाता हूं। आरुष, पनौती वो होता है जिसकी कोई फैमिली नहीं होती। तो मैं गई थी कि फैमिली के साथ किस तरह बिहेव किया जाता है। आज अगर तुम इस घर को छोड़ के चले गए ना आरुष, तो बुरी किस्मत हमारी होगी। प्लीज डोंट गो। बात बताना तो भूल ही गया आप लोगों को। क्या? मैं प्राडा ले आया हूँ। क्या? हाँ मेरा प्राडा। हाँ कहाँ? अंदर है। प्राडा, प्राडा कहाँ है मेरा प्राडा? Are you all ready? Are you all ready? Yes, yes. Okay. Baby Prada. 3, 2, 1. Yes. Yeah. Yes. Oh my God. Chill. जेंटलमैन, हियर आई प्रेजेंट प्राडा। ये प्राडा तो पैरट था, ये तो टिटी। हाँ तो प्राडा नाम का जानवर यही अवेलेबल था, इसलिए मैं ले आया। अरे तुझे ये मिला कहाँ से? मिला कहाँ से? शेर बाजार से। तू रह, ये खा जाएगा तुझे। नहीं 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 खाएगा, देखो ये वेजिटेरियन। अरे डरने की कोई बात नहीं भाभी जी, इधर आइए। आइए भाभी जी, आप डरिए मत, मैं कह रहा हूँ ना, एक मुझे दरवाजा बंद करने दो, कहीं डर के भाग ना जाए। दरवाजा बंद कर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाभी जी, कुछ नहीं होगा। अभी अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अब आप चलो, कुछ नहीं होगा, इससे दोस्ती करनी है। अरे दोस्ती करनी है? अरे ये दुश्मनी के लायक नहीं है। आइए भाभी जी, आइए देखिए, हम चारों को इकट्ठे रहना है, दोस्ती करनी चाहिए भाभी जी, बैठिए, आइए आइए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देखो चुप कैसे बैठा हुआ। प्राडा बेटा एक शेर सुनाओ फटाफट।
छोटा नहीं बड़ा वाला जोर से चुप हो जाओ वो डर जाएगा। अब तू लंदन में पला बड़ा है तो लंदन की लड़की से शादी कर ले। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अरेंज मैरिज वो भी तेरे बॉस की बेटी के साथ। आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। चल घर चलते ना। आरुष शादी करने के लिए कौन कह रहा है? मिल तो ले। और हम तुम्हारी फैमिली है ना, सो ट्रस्ट अस। आरुष जिन जिन लड़कियों ने तेरा दिल तोड़ा है तुमसे प्यार ही तो करता था ना, क्या फायदा? देविका बहुत अच्छी लड़की है, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। हाय बॉयज। हेलो सर, ये बॉस है। Have some lovely chicken wings. Okay. Chicken wings for you. No thanks. Chicken wings? Sir, I'm vegetarian, sir. Vegetarian? तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर बैठकर मेरे ड्राइवर के साथ खाना खाओ। No. Don't waste my money here. Very expensive place. No, sir. ये आरुष है। मैंने आपको बताया था ना देविका के लिए। My future son-in-law. Yeah. And vegetarian. जी मेरा जो उपवास है। उपवास? हाँ जी। वाह। Traditional Indian values. I like this boy already. Good boy. Good boy. भजिया खाओगे? सर मैं सब देविका का है। देविका? Oh, there she is. वो गोल्ड ड्रेस में वो देविका है? अरे वो तो कोई बुढ़िया खूसट है। That's my beautiful daughter. Come darling, come, come, come. देविका एंड दैट्स आरुष जी। नमस्ते। अरे यार ये बुड्ढों की तरह नमस्ते क्या कर रही हो? हाथ हाथ मिलाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तुम बुड्ढा पार्टी लोग उधर जाओ, गपशप मारो, गेट टू नो ईच अदर। आई लाइक दिस बॉय, ट्रेडिशनल इंडियन बॉय। तू चल ना, तू जा। आइए ना, आइए। एक्सक्यूज मी, वन चैंपियन बॉटल प्लीज क्विक। आप कुछ खाएंगी? चिकन विंग्स वगैरह? चिकन जी नहीं, आज मेरा ट्यूसडे है। आपका भी उपवास है? वैसे आपको देख के लगता नहीं कि आप लंदन की रहने वाली हैं। जी मतलब? देखिए ना, इतना अच्छा सलवार कमीज, कंगन छंगन, बस एक बिंदी पहन लेते तो बहुत अच्छा लगता। Why not? शर्म लाज तो औरत का गहना होता है। कितने ऊंचे विचार है आपके। आप अरेंज मैरिज में विश्वास रखती हैं, लव मैरिज में नहीं? मैं लव में बिलीव करती हूँ, पर शादी के बाद। मेरा मानना है कि अगर रिश्ता ऊपर वाले ने बनाया हो तो कोई ऐसा तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। आप कितनी स्वीट है। आप भी। फैसला किया? बात पक्की समझू? बात पक्की? शर्मा रहा है, मतलब बात पक्की। वाह मजा आ गया, मजा आ गया। लो भजिया खाओ। भजिया क्यों? अरे आज मंगलवार है, वेजिटेरियन कपल, वेजिटेरियन। लो मुंह भजिया करो। कंग्रेचुलेशन सर। तुम दोनों की वजह से मुझ जैसे पनौती की किस्मत बदल गई। यू नो सन इन लॉ,
यू आर अ वेरी लकी मैन। किस्मत तो तुम्हारी अब बदलेगी। आज से देविका भी तुम्हारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी, इसकी खुशियां भी तुम्हारी और इसके 500 मिलियन पाउंड भी तुम्हारे। हैव फन सनी। Buongiorno, Al Pacino. Welcome, signorita. Welcome to Puglia, the most romantic, the most beautiful place in the world. Robert De Niro ka kasama mara Hotel Fule. Aapka booking cancel. Aap chale jao, please go get out, go home. Gracias, prego. लेकिन हमें तो बुकिंग कंफर्मेशन मिली थी। I'm joking, mamma mia, come on, agenda allora, let me introduce myself, Mays Hotel का मालिक, मेरा नाम Acripasta. Acripasta? ये कैसा नाम? Aha, pasta मेरा surname, मेरा father italiano, उनका नाम था spaghetti pasta, मेरा mother हिंदुस्तानी, उनका नाम सेवैया pasta. सेवैया pasta? और मैं इस फैमिली का आखिरी पास्ता, मम्मा मिया। What a beautiful bride! Let me welcome the bride Italian tradition, mamma mia! And now for the big smooch! No smooch! I'm a joking! ये तुम खुद बेलो. Come on, Bella, Sima, let us go. तुमसे पहले तुम्हारा लगेज तुम्हारे कमरे में पहुंच गया. Thank you. Allora, हम तुम दोनों के लिए दो ब्यूटीफुल कमरा बुक किया अलग अलग फ्लोर पे. हम हनीमून पे आए हैं. I'm a joking. वाला कोची, तुम किधर का रहने वाली? अभी तो तुम इटालियन था, पठान कैसे हो गया? मेरे पैदाइश काबुल में हुई. काबुल में? I'm a joking. Allora, मेरा होटल वो देखो किदर? देखो कहा? क्या करता है कमीने? छोड़, छोड़। Hey, Mamma mia, such a beautiful bride. I'm only welcoming her. कसम बरसा चिका, यह हमारे होटल का सबसे बेहतरीन हनीमून सुइट। तुम्हारा लगेज ऑलरेडी आ गया, ठीक है ना? Hey, एक मिनट. Sorry, one second. मम्मा मिया, ये लोटा कहाँ से? ये हमारा पुश्तैनी कलश है। मेरी स्वर्गवासी माँ ने इस पे पैर मार के अपनी मैरिड लाइफ शुरू की थी। अब देविका, तुम्हारी बारी है, ठीक है? इस पे पैर मार के जिंदगी शुरू करते हैं। मेरा पुश्तैनी लोटा, मेरा। I'm sorry, लेकिन तुमने तो कहा था किक करने के लिए। But not like a football. You break my glass. I'm sorry. कोई बात नहीं, आप जाके रेडी हो जाइए। Okay, Signor Arus, all the best with the honeymoon suite. Your wife very beautiful, okay. Real mamma mia. Any problem? Thank you very much. Just call me. Just thank do you. The nada. Thank you. I'll get ready. आज मेरी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी. आज की रात के बाद I won't be panoti anymore. Hi, Devika. Hello. मैं कपाल भर्ती क्यों कर रहा हूँ? Hi, I'm all set. हनीमून की रात को क्या करते हैं ये तो मालूम है, लेकिन कैसे करते हैं? I don't know what to do. So what? She'll teach me. She'll tell me. She'll teach me. मैं सीख जाऊंगा.
मैं सब सीख जाऊंगा। प्यासे मर जाऊंगी ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। सपना था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट इन बेड लेके खाओ खाओ बिस्कुट मेरी टेस्टी आई प्रॉमिस यू प्रॉमिस। मेरी बीवी कहाँ है? देवी कहाँ? देवी तुम्हारी बीवी साइड बीच पे चला गया होगा। आई हैव अ बिस्कुट बीच पे आई हैव देखो तो ओ आई एम कमिंग टू हेल्प यू कमिंग। शायद तुम्हारा बीवी शॉपिंग करने को गया होगा। मम्मा मिया तुम्हारा बीवी मिल गया। किधर है? किधर मिला? बिकिनी में मिल गया। यू जस्ट जोकिंग। आई एम नॉट जोकिंग। शर्म और लाज तो औरत का गहना होता है। शर्म लाज गहना इन तीनों में से इसने कुछ नहीं पहना। दूसरे आदमी के साथ? तुम्हारे साथ गॉड इज जोकिंग। बैड लक माय फ्रेंड।
देविका। ओह आरुष, I'm sorry, ये बेनी है, the man I love. लेकिन तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि पापा के सर पे इंडियन लड़के का भूत सवार था. मेरी नाम की सारी प्रॉपर्टी मुझे एक ही कंडीशन पे मिलेगी, अगर मैं एक इंडियन लड़के से शादी करूं. वो मुझे कुछ 22 इंडियन बॉयज दिखा चुके थे, उनमें से तुम मुझे बहुत स्वीट लगे. मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी तो तुम मान जाओगे. आरुष प्लीज डोंट क्राई, आई एम रियली सॉरी. लेकिन तुम शादी के पहले भी तो समझा सकती थी ना. आई एम सॉरी, लेकिन हम चांस नहीं ले सकते थे. अब मैं क्या करूंगा? बस दो हफ्ते तक इंतजार, लीगली सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो जाएगी और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी. और मैं तुम्हें 1-2 मिलियन पाउंड्स भी दे सकती हूँ. I'm sorry, but we're so in love. Arush, please, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था. Please. I understand. Thank you so much, Arush. Thank you. Okay. Arush, you're the sweetest man I know. तो देखो कैसी जो कर गई इसकी ऐसी की तैसी. बनते बनते यू बात बिगड़ी, बसने से पहले ही दुनिया उजड़ी. पनौती कैसा पनौती, दुनिया में कहीं देखा ही नहीं. घिनौना मजाक क्यों किया मेरे साथ? मेरी बैड लक भरी जिंदगी तो तेरे हाथ में है, लेकिन मेरी मौत तो मेरे हाथ में है. एक ही चीज मांगी थी तुझसे, सच्चा प्यार. क्या दिया? सिर्फ बदकिस्मती, बैड लक, पलौती बना दिया. मैं आ रहा हूं तेरे पास, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं. बेबी मैं तुमको बाद में 3D में देखेगा. 3D मेरा रूम नंबर. दिस ड्रिंक इज फ्री, आई एम जोकिंग. कम ऑन, यू गो. प्रॉन्ट मास्टर, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, मेरा सर बहुत गर्म है. सैंडी बेबी, तुम्हारा दिमाग कितना गर्म क्यों है? तांदा पी लो. अभी अभी मैंने एक डूबते आदमी की जान बचाई और जब मैं उसको माउथ टू माउथ दे रही थी, डू यू नो व्हाट ही डिड? व्हाट? उसने मुझे किस किया. मम्मा मिया, दैट्स टेरिबल. एग्जैक्टली. नो, कोई मेरे होटल के सामने डूब जाए और मेरे को नहीं पता चले, दैट इज टेरिबल. मैं मीडिया को बुलाता, न्यूज को बुलाता, मेरे होटल का पब्लिसिटी होता, मेरा होटल इटली का सबसे फेमस होटल हो जाता. पास्ता, दैट्स नॉट फनी. ओह कम ऑन. ओह माय गॉड, पास्ता, यही है वो डिस्गस्टिंग इंसान.
अलोरा, ये आदमी ताई के साथ? ये पर्वत नहीं है, ये बेचारा किस्मत का मारा। इसकी जिंदगी में बहुत राज दिन लो लव नो अमोर। तुमको पता है इसके साथ क्या हुआ? नो। हनीमून के रात को इसका बीवी गया। ऑब्वियसली ऐसे पर्वत के साथ कौन सी औरत रहेगी? नोनी नोनी, यू डोंट कपीश। इसका बीवी हमेशा के लिए चला गया ऊपर। शी इज डेड, मोर्टो फिनीटो। इसका बीवी सुहाग रात को मर गया। ओह गॉड, पास्ता! और मैंने ऐसे आदमी को झापड़ मारा? मम्मा मिया, आई एम जोकिंग। नहीं नहीं, मैं सॉरी कहने आई हूँ। आप क्यों सॉरी बोल रही? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, और अगर आप उस नाजुक चांटे के लिए मुझे सॉरी कह रहे तो मत बोलिए, क्योंकि किस्मत ने तो मुझे बहुत बार चांटे लगाए हैं। आई नो आई नो। हाँ, वो आखिरी पास्ता ने ट्रेजेडी के बारे में बताया आपकी। फिर तो सारे इटली को पता होगा कि मैं आत्महत्या क्यों करने जा रहा था। आप ऐसी गलती मत कीजिए, आपको क्या पता, शायद आपका कल आपके आज से बहुत बहुत बेटर हो ना? आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। थैंक यू। वैसे मैं और एक अच्छी बात कह सकती हूँ? जी बोलिए। क्या आप कल मेरे साथ लंच करेंगे? आई मीन वो मेरे सॉरी कहने का तरीका है। हाँ, माय नेम इज आरुष। और मैं सौंदर्य भाग्यलक्ष्मी वेंकटेश्वरी बासपा राव। अरे बाप रे, ये आपका नाम है या पूरे गांव का? आप मुझे सैंडी बुला सकते हैं। सैंडी, वेरी क्यूट नेम। थैंक यू। तो कल मिलते हैं। जी कल मिलते हैं। बाय। So you live in London. तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। And your parents? जब मैं एक महीने का था, मेरे पिताजी को कैंसर हो गया। God, I'm so sorry. नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। डायग्नोस करने के बाद पता चला कि एक्चुअली उन्हें कैंसर नहीं था, उन्हें डायबिटीज थी। Oh, thank God, it's just diabetes. मेरी मम्मी भी ऐसी खुश हुई थी, खुशी के मारे उन्होंने उनको काजू की बर्फी खिला दी और मेरे पिताजी वहीं चल बसे। मेरी मम्मी, उनसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको भी हार्ट अटैक आ गया और वो भी चल बसे। ढाई मिनट में मैं अनाथ हो गया। I'm really sorry. Even I was born in London. पर मेरे अन्ना, I mean my brother, वो इंडिया में रहते हैं। He is the head of Indian military intelligence. और मेरी बहन, वो शादीशुदा। मेरा फोन! मंकी ले गया। मैं लेके आता हूँ उसे। तुम फिकर मत करो। मंकी। ओके, मंकी। काटेगा। तुम फिकर मत करो। अगर ये इटालियन है तो मैं इंडियन हूँ। Be careful. फोन दो बेटा। तुम आ जाके खड़ी हो जाओ, इधर मत आना। फोन दे बेटा प्लीज। नॉटी मंकी, तू किसको फोन करेगा बेटा? फोन दे दे बेटा। मंकी बेटा फोन दे। इज्जत का फलूदा क्यों निकाल रहा है यार? फोन दे दे, इंप्रेस करना चाहता। देख दो झापड़ मार चुका, अब प्लीज दे दे। आपका फोन, मैं इटालियन बाकर से जंग जीत गया। थैंक यू। किसी जो भी इस गर्म कोयले के बिस्तर पे चलेगा उसके गर्लफ्रेंड को ये रेन बॉय नो।
कुछ मिलेगा जैसे जूनियर सीजन चला था क्लियर यात्रा के लिए मम्मा मिया फिर तो जीनी है कोई यहाँ जो चलेगा इस आग के दरिया पे कम ऑन प्लीज आई बेग यू दैट्स सच अ रेयर वाइल्ड फ्लावर इट्स सो ब्यूटीफुल आई लव इट पर उसके लिए आग पे कौन चलेगा चलो लेट्स गो दिस मैन वॉकिंग ऑन द फायर इज अरुष सच्चा प्यार हो गया है मानता है कि नहीं I'm so happy मानता है कि नहीं और देविका को भी सच्चा प्यार हो गया है मानता है कि नहीं लेकिन मुझे देविका से प्यार नहीं हुआ है मानता है कि क्या और तुझे किसी और से हुआ है तू और देविका हनीमून पे गए थे ना हाँ और तुम दोनों को प्यार हो गया हाँ पर एक दूसरे से नहीं नहीं मेरी नौकरी तो गई मानता है कि नहीं आई विल लव बॉब तू इटली आ जा जल्दी आ जा बॉब तुम लोग दोनों भी कमाल हुआ एक फोन क्या किया तो तुम लोग दोनों यहाँ चले आए अच्छा मैं तुम लोगों के लिए ड्रिंक्स लेके आता हूँ ओके ओके क्या दिस किड्स दे ऑलवेज हैविंग अ बॉल तुम दोनों ने उसको बहुत सपोर्ट किया होगा ना उसकी वाइफ की डेथ के बाद बेबी की डेथ डेड 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 ड्रिंक्स ये लाल वाला तुम्हारा ये पीला वाला तुम्हारा और ये ब्लू छाता तुम्हारा एंड ऑरेंज वन इज माइन थैंक यू चीयर्स 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 उसने उसको झूठ बोला वैसे नहीं है लेकिन सैंडी का दिल जीतने के लिए झूठ बोल दिया होगा तुम लोग क्या खुशपुस कर रहे हो रोमांस रोमांस और देविका अभी भी उसकी बीवी है बीवी थी अब देविका का बॉयफ्रेंड है दो साल हो गए इनकी शादी को लेकिन अभी भी वही रोमांस देविका ने हर्ष पे चीट किया उसने एक छोटा सा झूठ बोला तो क्या फर्क पड़ता है नहीं क्या हुआ चलो क्यों घूमते कब से यहाँ बैठे हैं इटली घुमाना गुड आइडिया क्यों लेकिन क्यों क्यों देविका 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 मंदिर है वहाँ पर देविका मंदिर दर्शन करते हैं चल 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 तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं ओ तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं मैं झूठ कहूं तो मर जाऊं सब तेरे हवाले कर जाऊं मैं झूठ कहूं तो मर जाऊं कभी तो डर जाऊं तेरी इश्क में हद से गुजर जाऊं मैं झूठ कहूं तो मर जाऊं Oh boy, you're mine. Oh boy, you're mine. Oh girl, you're mine. Oh girl, you're mine.
है दिल का जहां। हर लम्हा तेरा ही ख्याल है, तेरे बिना है राहत कहां। बंदा तुझ पे कुर्बान है, इस बात से तू अनजान है। बंदा तुझ पे कुर्बान है, इस बात से तू अनजान है। सच कहता हूँ मैं, झूठ कहूँ तो कहूँ तो मर जाऊँ। I feel I'm the world's most luckiest person. Hi, Arush. Hi. अरे, come in. Come. उसे यहाँ क्यों बुला रहे? ये पागल हो गया। ये भूल चुका है कि इसने झूठ बोला है। इसकी बीवी मर चुकी है। अब इसको कुछ नहीं हो सकता। अब सैंडी, इनकी वजह से हम दोनों मिले हैं। अब देविका मेरी मेरे बॉस की बेटी। हाँ, देविका। हाँ, हेलो। और देविका मेरी मेरे बॉस की बेटी। हाँ, यानी कि बॉब और मेरी बॉस की बेटी। इट्स सो नाइस ऑफ यू गाइस। मैंने सोचा शादी के बाद जो कुछ हुआ तुम लोग मुझसे बात ही नहीं करना चाहोगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी किस्मत में शादी की रात रात दिन तू किस्मत के बारे में बात करता है। हाय बेनी। हाय हाय बेनी। ओके बाय बेनी। बाय बेनी। बाय बाय। नाइस मीटिंग यू। बाय बाय लेनी। अरे लेनी नहीं, वो बेनी है। ओ बेनी बेनी। बाय। अरे देविका, वो डिवोर्स पेपर्स फास्ट। डिवोर्स? किसका डिवोर्स? मेरा। किसके साथ? देविका के साथ। देविका तुम्हारी वाइफ है? हाँ, पर वो तो मर चुकी है। कब मरी वो? वो तो जिंदा है ना? तुम्ही ने तो कहा था कि वो मर चुकी है शादी की रात को। मैंने कब कहा था? गॉड, एंड ऑल दिस वाइल मैं सोचती रही कि तुम्हारी वाइफ है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, कि तो बराबर है। हाँ, वैसे भी डिवोर्स हो रहा है। शी इज एज गुड एज डेड। आई डोंट केयर। शादी जैसे हो, डिवोर्स हो या ना हो, सच तो यह है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और झूठ के सहारे मेरा दिल जीता। डार्लिंग, गॉड, डार्लिंग, मैंने कब झूठ बोला? मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। What? हाँ, सैंडी। It's Sandy. मेरा नाम सैंडी है, सैंडी नहीं। सैंडी, I love you. झूठ। Disgusting. सैंडी। अब कहाँ जा रहे हो आरुष? समुंदर में। What? उसके पीछे जाओ, उसे रोको। Go. इधर जा। सैंडी, सैंडी, दरवाजा खोलो। सैंडी, तुमने मुझे झूठ बोला आरुष। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, भगवान कसम, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। सैंडी, माय नेम इज सैंडी, नॉट सैंडी। सैंडी प्लीज दरवाजा खोलो।
Excuse me, where are you going? Balcony. For what? Jump, please. Oh my God, oh my God, suicide! Bellissimo, wait, why are you screaming? Man is jumping from a balcony. Suicide in my hotel? What a publicity. Come on, let's call the media. Welcome, media. What echo suicide? First time in Italy, mera famous hotel pe. Photo lo mera. Arush, tu ye kya kar raha hai? ये पागल है, कभी समंदर में जाता है, कभी बालकनी से कूदता है। आरुष, नीचे उतरो। His name is Arush. Arush, he's amore, loving, he's suiciding. Now you please take his photo, please, I request. Arush. He could have gone anywhere for suicide, but he chose my hotel. I told you. Arush, have you gone mad? Suicide क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ suicide कर रहा हूँ? तुमने अपना दरवाजा बंद किया हुआ है। मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने जो भी बोला, तुम्हें सब सच बोला है। मेरी बीवी मरी नहीं है, वो जिंदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सुहाग रात को मुझे छोड़ के किसी और के साथ चले गई। पर पास्ता ने मुझे ये सब बताया। कहाँ तुम पास्ता की बात सुन रही हो? He is always joking. अब मैं क्या करूँ? मुझे बचाओ, ऊपर खींचो, दम लगाओ। Why the music stop? Security, go push him, the Camaro. I love you, Sandy. अब तो नाम भी ठीक बोला। अब कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें पता है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, जब कोई किसी की जान बचाता है, वो जिंदगी जान बचाने वाली की हो जाती है। अब तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं है, अब तुम्हारी जान मेरी है। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम उसे गवा दो। I love you. वैसे तुमने पढ़ा कहाँ था? वो पिछले महीने के कॉस्मो में। I love Cosmo. मैं आज से ग्रह शोभा छोड़ के कॉस्मो पढ़ूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बाबूराव और हेतल के विवाह के शुभ अवसर पर आई वुड लाइक टू रेज अ टोस्ट टू देम। आई विश देम अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। तुम और तुम्हारे डैड बहुत क्लोज हो ना? वो मेरे पापा नहीं है, वो मेरे बॉस है। तो तुम उन्हें कह दो ना कि सब कुछ है, कह दो पैसा है, बड़ा घर है, कह दो कि तुम माँ बन गई हो और वो नाना बन गए हैं। Trust me, he'll just melt. Are you serious? तुम्हें उनसे बात करनी है ना? ये लो कॉल। बटुक पटेल फरसान, पेपा चिपा को। पापा, मुझे अब से कुछ कहना है। पापा पापा, मेरा एक बेटा है पापा, बिल्कुल आप भी गए हैं पापा, और आज पहली बार उसने नाना बोला है पापा। पापा एक बार बात तो कर लो, चाय डालने के लिए। एतल में आ रहा हूं, मैं लंदन आ रहा हूं तेरे को मिलने, अपने दामाद के बड़े बंगले में रहने, अपनी नाती को अपने गले लगाने। ओके पापा। मैं 17 तारीख को आऊंगा, 5 दिन में आऊंगा बेटे। मम्मी, मैं नाना बन गया। गजेड़ा का गजेड़ा ही नहीं। अरे मम्मी, हमें क्या मर रहा हूँ, तो 17 तारीख को जा रहा हूँ। अरे तेरे को अक्कल है? 5 दिन बाद क्यों जा रहा है?
अभी क्यों नहीं जाता? अभी जा, अभी क्या, अभी जा, और मेरी बेटी और मेरे दामाद को लेकर। अरे जाना, टाइम पर चल जा। मैं जा रहा हूँ। जा, 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 जल्दी। पांच दिन? तो पांच दिन में बच्चा कहाँ से पैदा करूँ? लुक, आई एम सॉरी, आई नो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे इस एक झूठ की वजह से पापा ने पहली बार मुझसे फोन पे बात की है। पर बेबी, झूठ क्यों? जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता। हाय, सो स्वीट यू आर। ओके, डोंट वरी, मैं कुछ सोचता हूँ। विल अरेंज इट बेबी। रियली? और बेबी, एक बिग हाउस भी। तो तुम्हारे पापा क्या पूरे गांव को लेके आ रहे? नहीं, वो पापा सोचते हैं कि ये करोड़पति है। अरे, ऐसे कैसे सोच सकते हैं वो? वो मैंने बोला था। What? Are you mad? Just desperate. Yeah. अन्ना? हेलो अन्ना। बागुनारा चिन्ना, मैं लंदन आ रहा हूँ, तुम्हारे घर। Really? What are you saying, अन्ना? क्वीन ऑफ इंग्लैंड मुझे बकिंगहम पैलेस में मेडल दे रही है, क्योंकि तुम्हारे अन्ना ने बड़े बड़े टेररिस्ट का मुंह जो खुलवाया है। लव यू अन्ना, कांग्रेचुलेशंस। आई लव यू टू अन्ना। लव से याद आया, मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ, समवन स्पेशल। तुझे याद है ना पूजा के साथ क्या हुआ था? नो अन्ना, दीदी जैसी गलती नहीं कर रही हूँ। अन्ना, ही इज अ वेरी नाइस मैन और अच्छे परिवार से है। इज ही वेल टू डू? ऑफ कोर्स ही इज रिच। अन्ना, पाके मिल लो ना उनसे प्लीज। इनफैक्ट आरुष इज हियर विद मी, से हाय टू हिम ना। आरुष, अन्ना। आई मीन माय ब्रदर। ओके, हेलो अन्ना। अन्ना, अन्ना, मैं सिर्फ अपने बहनों के लिए, तुम्हारे लिए मैं सर। कौन है सर? सर, मेरी बहन तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी सर, लेकिन मैं खुद देखना चाहता हूँ कि तुम उसके काबिल हो कि नहीं। इज दैट क्लियर सर? अगर तुम्हारे बारे में मुझे कुछ भी गलत लगा, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। यस सर। 3 दिन में मैं लंदन आ रहा हूं। एक सेकेंड, होल्ड करना। So now that you've had your little break, shall we continue, Mr. Harris? Do you have any terrorist links? I said, do you have any terrorist links? Are you a terrorist? No. Liar. I hate lies. हाँ, तो मैं कह रहा था आरुष, 14 तारीख को मैं लंदन आ रहा हूँ, तुमसे तब मुलाकात होगी। सर, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ओके सर, सर हैव अ गुड सर। सर, सर, फोन कट गया। तुमने मेरे बारे में झूठ क्यों बोला अपने भाई को? नीदर एम आई रिच, ना मेरे पास कोई अच्छा बंगला है, ना घर है, हा? किस बात के लिए झूठ बोला? एंड यू नो वो यहां आने वाले हैं, उनको सब कुछ पता चल जाएगा सच सच, फायदा किस बात का? मैं तो बोलता हूं उनको फोन करके बता देते कि सच क्या है। व्हाई लाई? यू आर राइट। वेयर आर यू टेकिंग मी? बॉब, कम हियर। आरुष, ये है अन्ना, मेजर कृष्ण राव, हेड ऑफ इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस। और अन्ना, ये है मेरी बॉयफ्रेंड आरुष, फिलहाल जॉबलेस है,
लेकिन वैसे बहुत अच्छी जॉब है। पनौती की नौकरी करते हैं कैसीनो में, और आरुष इनके घर में रहते हैं, और ये फूल वाले सोफे पे सोते हैं। शादी के बाद मैं कारपेट पे सो जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। अन्ना, मैं आरुष से शादी करना चाहती हूँ। फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये शादीशुदा है, लेकिन डिवोर्स के बाद कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अन्ना, अच्छा लड़का चुना है ना मैंने। अन्ना, आशीर्वाद दो ना अन्ना। Are you ashamed of me? आरुष, I love you. लेकिन एक भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, मैं उन्हें ये सच कैसे कह सकती हूँ? क्यों? अगर तुम उन्हें सच बोलोगी तो क्या हो जाएगा? वो मुझे गोली मार देंगे। आरुष, he will kill you. Guys, 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 guys. Look, just don't stress, okay? सांडी, तुम्हारे अन्ना कब आने वाले हैं? 14 तारीख को। और जाएंगे कब? 16 तारीख को। और पप्पा आ रहे हैं 17 तारीख को। परफेक्ट। हम लोग एस्टेट एजेंसी को फोन करके लंदन का सबसे शानदार हाउस हायर पे ले लेंगे। पहले सैंडी के अन्ना आएंगे, सोचेंगे कि आरुष का घर है, आरुष से इम्प्रेस होकर चले जाएंगे। 17 तारीख को पप्पा आएंगे, सोचेंगे कि तुम्हारा घर है, तुमसे इम्प्रेस होकर चले जाएंगे। पप्पा खुश, अन्ना खुश, हम खुश। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जिस झूठ से किसी का घर बसता हो वो झूठ झूठ नहीं होता। आरुष, व्हाट अ सुपर प्लान। ये कौन है? इस घर की मालकिन जुलेखा मैम और उनके 3 करोड़पति। करोड़पति? उनके मरहूम पति जो उनके लिए करोड़ों छोड़ गए। जुलेखा मैम का दिल बूढ़े करोड़पतियों के लिए बहुत धड़कता है, पर बदकिस्मती देखो, सुहागरात को ही 3 गुजर गए। ये तस्वीरें उतारनी पड़ेंगी। आप किसकी इजाजत से ये तस्वीरें उतारने की बात कर रहे हैं? ये विधवा स्लो मोशन में क्यों चल रही है? नमस्ते। नमस्ते। आपकी तारीफ जी। मैम, वो मैंने आपको बताया था ना, नए किराएदार जो। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने बताया ना कि हम घर सिर्फ शादीशुदा लोगों को देते हैं, राइट? आप लोग शादीशुदा हैं? You are married, right? हम शादीशुदा हैं। तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, कहाँ दस्तखत करने? कम ऑन। भाभी जी, झूठ क्या फर्क पड़ता है, जा रही है, और जिस झूठ से किसी का घर बसता है वो झूठ झूठ नहीं होता। प्लीज आरुष, ऐसा कहाँ लिखा है? झूठा ही बना दिया मुझे। कौन से टर्मिनल पे आ रहे? 3। ओके। नहीं नहीं, 4। नहीं, 3। सैंडी, व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड? सी, अन्ना वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वो किसी को झूठ बोलते पकड़ ले तो उसकी बहुत बुरी हालत कर देते हैं। अन्ना का ट्रिप पोस्टपोन हो गया, वो नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहे? नहीं अभी तो। लेकिन घर का तो 3 दिन का भाड़ा दे चुके हैं। जय श्री कृष्णा। कृष्णा? कृष्णा तो अन्ना का नाम है। अरे अन्ना जी आ गए। ऊपर फूल हजारी बटुक पाए, चले मोती। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वेलकम सर, वेलकम। धारवा करता बेटर लागे छे? झाड़ से बेटर लगता हूँ। ना ना, जैसे मैंने सोचा था उससे काफी अच्छे लगते हो। ओके। गुजराती आवड़े छे? थोड़ी थोड़ी आती है। वैसे पाप नहीं है। चल चल। पापा? पापा? सैंडी का भाई अन्ना हेतल का बाप है। तो सैंडी हेतल की बुआ? पापा
नहीं करोगे? माफ नहीं करोगे? तुम्हारी फाल लकड़ी बच्चों को ली बक्का पापा बक्का मारी दी आरुष, ये मेरे पापा है। नमस्ते कृष्णा राव जी। कृष्णा राव पाटुक पटेल पापा। पाटुक पटेल हाँ पापा। आप 17 तारीख को आने वाले थे ना? उससे रहा नहीं गया, तुम्हें चलाया दामाद जी। दामाद जी पापा आमरो पति न थी। अरे अभी तो तुमने अंदर कहा कि ये तुम्हारे पति हैं। आतारो पति न थी। ये मेरे पति नहीं है, पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर है। इस नाचीज को फूल बहुत पसंद है। लीला 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 बेन नमस्ते। बहन हो आपके दुश्मन, हमें तो सुलेखा बानू कहते हैं। इस बेधर दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ और आप रंडवा। ओके सुलेखा जी, बाय बाय। बाय बाय क्यों पापा? सुलेखा जी जा रही है। अरे जाए हमारे दुश्मन, आपके वालिद आए हैं, इनका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ ही रहिए, इसे आपका घर ही समझिए। वो तो मैं समझती हूँ। मैं वही सोच रहा था कि आप अभी तक हकलाए क्यों नहीं। खैर छोड़िए, अंदर तो आइए ना। चल नहीं नहीं, पहले मैं मेरे नाते से मिलूंगा, नाते को बुलाओ। वो वॉक भी गया पापा। इतनी छोटी उम्र में वॉक करता है? आया है ना साथ में। तो आया को फोन लगाओ ने। और बोलो झूठ लगाओ। हेलो आया? नहीं कैंसिल हो गया, अब पता नहीं कब आ रहे। आ गए मेरे पप्पा। ओ शिट। अरे नौकर साथ है, एम बात ना था, मैंने फोन आप देखो मेरी बात। ए आया मेरी नाती को जल्दी लेके आओ। आया क्या, वो तेरे बाप का नाती है क्या? हाँ हाँ अभी आई। जल्दी लेके आओ, ऐसे बात करते ले। क्या हुआ? पापा आ गए। पापा आ गए? लेकिन पापा तो 3 दिन बाद आ रहे थे। बच्चा मांग रहे, बच्चा अभी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बच्चा कहाँ से लो? दामा जी आ कौन छे? आपकी बेटी है वो? अरे बाजू वाली। वो अपनी लैंडलेडी। अतारू घर में थी? नहीं मारो घर छे, मेरे घर है। तो फिर लैंडलेडी? पूरे लैंड में इनके जैसे कोई लेडी नहीं है। साची वाची। पापा ने, पापा ने, पापा पापा आए लागू पापा केम छो? जीते रहो दामाजी। आदाब दामाजी। आ कौन छे दामाजी? ये घर में खाना बनाता है। ये रसोईया? लेकिन इतने अच्छे कपड़े। यहाँ सब कुक कैसे ही कपड़े पहनते हैं। इंग्लिश कुकर? हाँ कुकर कुकर। दामाद जी ये क्यों हकला रहा है? हकलाते तो तुम हो ना। जब मालिक हकलाता तो नौकर भी हकलाता है। क्योंकि ये मेरी इज्जत करता है इसलिए ये भी हकलाता है। लेकिन तुम तो सिर्फ एक ही बार हकलाया अभी तक। खाने में क्या बना? हलवा खाओगे? आप खाओगे? नहीं ठीक है। मैं बेबी को लेकर आ। मेरे नाती तो
कैसे आया ये? आया नाती दो अभी दे ये आया मारो नाती काला। आप ऐसे कैसे कह सकते हो पापा, काले गोरे का जमाना गया। मैं सावली हूँ, मम्मी सावली थी। अरे सावली तो ठीक छे, पन आ तो डांबर नो टुकड़ो छे। कुछ भी कर ले, झूठ बोले, मेरे घर को बचा ले। दरवाजे जी, ये कैसे हो गया? क्योंकि मेरी दादी अफ्रीका से है। अफ्रीकन जी? ओ जावे ओ जावे ओ जा हे ओ जा ओ जावे ओ जे हे हलुआ कलुआ 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 हलुआ कलुआ। ठीक है ठीक है, बच्चे का नाम क्या है? राहुल। रोहन। राज। अरे मारू राहुल राजेश रोहन राज। काला छे तो हूँ भाई, दिलवाला छे अब तेरे 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 जाने वाले। अब बच्चे के साथ कब तक खेलते रहेंगे? हाँ चलिए मैं आपको आपका बेडरूम दिखाती हूँ, आइए बेबी को मुझे दो। ले ले मजे वो मिट्टो छे चल 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 मारे गुलाब जामुन। आया आया, मैं किस एंगल से आया लगती हूँ? कुक कुक मैं कुक कुक। लुक आई एम सॉरी बेबी, हम लोग को और क्या कर सकते थे? मैं बताता हूँ, झूठ बोलने से अच्छा सच बोल सकते थे। 50 झूठ बोल चुका, 50 झूठ मुझे और बोलने पड़ेंगे। इसके पापा के सामने पागलों की तरह अफ्रीकन डांस कर रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, पागल हो गया। लेकिन तुम लोगों को बोलने से क्या होगा, मेरी तो किस्मत खराब है। देखा देखा मेरी किस्मत? ओह तेरी किस्मत खराब है हा? तेरी किस्मत तुझे मौला, तेरी तेरी मेरी बीवी, तेरी बीवी तेरी बीवी, तेरी बीवी मेरी बहन, तेरी होने वाली बीवी तेरी बीवी मेरी बहन। ये हर बार हर औरत तेरी बीवी और मेरी बहन बन जाती है और तेरी किस्मत खराब है। वाह शाबाश। ये सब छोड़ो, अफ्रीकन बच्चा स्टेला का है। तुम्हें भी हर चीज जल्दी चाहिए ना, नकली बच्चा, नकली पति, नकली घर, नकली पापा। पापा के बारे में ऐसे मत बोलना, पापा असली है। ओके पापा, पापा वो हम ना मौसी आ कुतरा उनी सामने ना नाचता। कुतरा मौसी आ हाथ मने आप ही दे धन्नो। मैं भूल गई थी। क्या? पापा को नींद चलने की बीमारी है। What? It is a new year. गब्बर सिंह, क्या मेरा रिश्ता पक्का समझो? पक्का 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 पक्का। सुरमा भोपाली होली क्या रे छे भाई? बाल बाल बच गए। बाल बच्चे? अभी बाल बाल बच गए, बाल बच्चे नहीं। सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट बेबी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ? हश 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 पापा स्लीपिन, हश 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 पापा स्लीपिन। वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा, वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा। हश 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 पापा स्लीपिंग, कुंभ करण के जैसा काश यूं ही सोता रहे, हमको करना है जो सूर्य होता रहे।
से ये रात हम दोनों पे हंसे मौका ये छूट जाएगा। वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा। वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा। शर्म नहीं आती? It's not funny. Okay, I'm just joking. I'm just दामाद joking. जी, दाचे मरो दामाद जी. तुमने कुछ बोला? ओ दामाद जी, तमे क्या जो? आरो दामाद जी भी हो जो. सुबह सुबह पापा जी कहाँ जा रहे? अपने दामाद को ढूंढने. और दामाद तो यहाँ है. ऊपर हेटल के साथ बॉब सोया हुआ है. चलो मेरी मदद करो ऊपर चढ़ने में. Namaste. Bakka, hey bakka. Namaste. Jaage ja. Damat, ar chhod. Ye garwa uth papa le papa. Papa. What? Namaste. Bakka. Namaste, kya kar rahe ho? Ha? मैं पुशअप्स कर रहा हूँ. एक्सरसाइज? पुशअप्स? एक्सरसाइज मैं भी करता हूँ. नहीं आप नहीं कर सकते. अरे तुमने जो तो करा आप थक जाओगे. अरे जो तो करा भाई. ए बे त्रण चार पांच छः सात. तुझे यार ढाकी क्यों भाई? ढाकी क्यों? जाओ जाओ जाओ. एको कर. तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अरे जल्दी बोल. अंदर आ रहा था सुबह सुबह नाश्ते का ऑर्डर लेने के लिए. नाश्ते का ऑर्डर लंगा पूंगा. दामाद जी जरा साइड में हो जाओ. नाश्ते में क्या खाओ? और कुछ खाओगे सर? राहुल राजेश मोहन राज रो रहे. Stella, I'm really sorry. Just listen to me, please. Papa, मेरे left right का coordination का problem है, इसलिए मैंने चपेड़ मार दिया. अरे चलता है दामाद जी. Stella, you? How could you?
Said you were taking my baby for a drive and you kept him for this long? Suit par laga kaun che? Ye Rahul Rajesh Ronraj ki teacher hai, school mein padhati hai. You're so lucky that I'm taking him to play school. Otherwise, I would have called the police. It's bloody kidnapping. Or nahi, kidnapping police kya chila rahi hai? Dawai! ओवरनाइट मतलब क्या होता है? ओवरनाइट मतलब होता है कि नाइट इज ओवर, यानी कि रात खत्म हो चुकी है. किडनैपिंग मतलब क्या होता है? कि किड जो है वो नैपिंग कर रहा है, यानी कि बच्चा सो रहा है. और जो स्कूल की बात थी और पुलिस की बात थी, यानी कि बच्चा जो है स्कूल से निकल के बड़ा होके पुलिस बनेगा, ये वो टीचर कहना चाहती थी. दैट्स व्हाट शी वाज सेइंग. ऐसे बोलो ना. कुछ कैसी औरत है, अपने नाते को गले भी नहीं लगाने दिया. हाँ ये गलत है, दैट्स रॉन्ग. पूछना चाहिए टीचर को. अभी बच्चा चला गया, अभी टीचर भी चली गई, और अब आप कब जाओगे? ऐसे कैसे जाएंगे? मैं मेरी बेटी से मिला, मेरे नाती से मिला, मेरे दामाजी से मिला. क्या मैं पहली बार लंदन आया हूँ? तुम लोग घुमाओगे नहीं मुझे? ऑफ कोर्स घुमाएंगे. कुकर लाइट पे लगा. वो मेरा भी राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम है. बिफोर ये प्रॉब्लम आगे बढ़े, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको लंदन घुमाता हूँ. आइए. दामाजी आ टॉपलेस बस बहुत सरस है. लंदन नो डबल लेकर. ये देखो. हेलो अन्ना. व्हाट? आई मीन यिप्पी. लेकिन आप अचानक कैसे आ गए? हाँ ऑफ कोर्स, आपका बकिंघम पैलेस फंक्शन तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो सकता. ओके, घर पे मिलते हैं. वेलकम टू लंदन अन्ना. पापा वापस कब जा रहे हैं? मुझे क्या पता कब जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि अन्ना आ गए हैं. अगर तुम्हारे अन्ना घर पहुंच गए तो पापा को सब कुछ पता चल जाएगा. क्या पता चलेगा? एक कुकर तो साइड ले. क्या पता चल जाएगा? क्या गुसूर पुसूर कर रहे हो? पापा वो सैंडी है ना, वो ये आया. नहीं नहीं, सैंडी आया नहीं है. नहीं सैंडी आया नहीं है. नहीं नहीं पापा, वो बड़े अमीर खानदान की लड़की है. और पापा इसके भाई ने इसकी शादी और भी बड़े खानदान में ऑलरेडी तय कर दी है. तो वो शादी नहीं करना चाहती हूँ. क्यों? क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ. और इसने अपने भाई से झूठ कहा है कि ये एक अमीर लड़के से शादी करने वाली है. तो भाई पहुँच गए पापा लड़के के खानदान से मिलने. अरे बाबा, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करें? अब हमको इस बेचारी की मदद करनी चाहिए. मदद करनी चाहिए, पर कैसे मदद करेंगे? कैसे? हम लड़के का खानदान बन सकते हैं. हाँ वेरी गुड आइडिया. और इसका मंगेतर कौन बनेगा? कौन बनेगा? जी मैं बन जाता हूँ. नहीं नहीं रामा जी, तुम कैसे बनेगा? पापा नाटक कर रहे हैं, झूठ फूट के लिए कर रहे हैं. और जुलेखा जी आपकी पत्नी? गुड आइडिया. गुड डील. गुड आइडिया. लेकिन इसका भाई है कौन? मेरी बहन से दूर रहना, समझे? अन्ना! भागो ना रचना. चलो भागा ना. तुम्हारे डिंपल्स कहाँ गए? अब 6 महीने से मिले नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए. ये एंटी देखते कहाँ होंगे, यहाँ तो नहीं. अन्ना मैं आपको आरुष की फैमिली से मिलाती हूँ. ये मैं आरुष का पापा. और मैं इसकी मम्मी. मैं आरुष की बहन. मैं आरुष की बहन का पति. I
हरुष यू आर ओके ना? ही इज फाइन. उठ जा उठ जा उठ जा. कब कब उठ जा. You're okay? Thank you. मुझे देखकर बेहोश क्यों हो गए? वो बाहर गर्मी काफी थी तो मुझे सनस्ट्रोक हो गया. छींटे मारो. हाँ छींटे मारो. हाँ मैंने तुम्हें कहीं देखा? कहां देखा? आपकी भी शक्ल जानी पहचानी लगती है लेकिन मैंने आपको कहीं नहीं देखा. तुम काम क्या करते हो अन्ना? मैं या ये इंट्रोगेशन बंद करो ना. आपका ट्रिप तो कैंसिल हो गया था ना. कैसे आ गए? भूल गई ना? क्योंकि आज रक्षाबंधन है. ओह माय गॉड, मैं भूल गई. इसलिए राखी लाया. पर ये दूसरी? पूजा ने मेरे लिए भेजी थी. दीदी आ रही है? नहीं, वो वेगस में अपने हस्बैंड के साथ है. तुम ही बांधो. तुमने राखी नहीं बांधी? क्यों नहीं बांधी? वो सैंडी के साथ मैं भी भूल गई कि आज राखी है. चलो कोई नहीं, हम दो राखी लाए. हेतु तुम एक आरुष को बांधो. ओके. नहीं 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 नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. अगर हेतल ने आरुष को राखी बांधा तो अनर्थ हो जाएगा. अनर्थ क्यों? क्योंकि रक्षाबंधन तो कल हो गया. नहीं अंकल, रक्षाबंधन आज ही है. हाँ हेतु कम. आर यू श्योर कि मैंने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा? कुछ तो कनेक्शन है. पूजा. पूजा? पूजा की थाली नहीं आई. आप लोग पूजा की थाली नहीं लाए? राखी भूल गए तो पूजा की क्या जरूरत है. ऐसे ही बंद. फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना. अनर्थ थई गई. कृष्ण पूजा का भाई है. तो पूजा मकाओ वाली? हाँ. लेकिन कृष्ण तो सैंडी का भाई है. अरे वो उन दोनों का भाई है. दोनों का? हाँ, मेरी तो किस्मत इतनी खराब है कि अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड होती तो वो तेरा भी भाई निकलता. मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गया. मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या. एक मिनट, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा. नहीं नहीं, मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा सैंडी को. अबे अभी तू सैंडी को कुछ नहीं बताएगा, वो कुछ नहीं समझेगी. नहीं, मैं झूठ. जो भी तुझे सच बोलना है वो शादी के बाद बोलना. मैं झूठ नहीं. तू समझ ले, तुझे झूठ बोलना पड़ेगा. नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता. आरुष जी, झूठ से किसी का घर बसता है. झूठ झूठ नहीं होता. नहीं होता. मैं झूठ नहीं बोल सकता. तुझे बोलना पड़ेगा. सैंडी के लिए बोलना पड़ेगा. सैंडी के लिए ठीक है, आखिरी बार बोलूंगा झूठ. आखिरी बार बोलूंगा. आखिरी बार भाई, आखिरी बार. बहुत स्ट्रेन पड़ता है यार, बहुत स्ट्रेन. आखिरी बार नहीं, तुझे बार बार करना पड़ेगा. अन्ना, बाल लंबे क्यों कर रहे हो? मेरे साथ कंपटीशन? हे चिन्ना, अफगानिस्तान में फील्ड पोस्टिंग में था इसलिए. चाला हैंडसम यू लुक. अन्ना, अन्ना, आई गॉट यू स्ट्रॉबेरीज, पीचेस, ऑरेंज, ग्रेप्स, बिस्किट्स. अन्ना. अन्ना. सर. पेट अंदर करो. जी. अन्ना, यू आर बोथ लुकिंग वेरी नाइस. नाइस हैप्पी फैमिली.
अभी तो मेरी पूरी फैमिली से मिले कहाँ हो? काश दीदी भी आरुष को मिल सकती। देख सकती है। कैसे? चलो साथ में आओ, मैं तुम दोनों का फोटो लेके एमएमएस से भेजता। अब क्या हुआ? अब तो धूप भी नहीं है, सनस्ट्रोक भी नहीं हो सकता। आई एम कैमरा कॉन्शियस। चलो डोंट बी शाय, कम ऑन। ये चेहरा क्यों बना रहे हो? नहीं, वो मेरे गिर फंस गया था आंखों में। चलो ना, कम ऑन, स्माइल स्माइल, नो मोर कैमरा कॉन्शियस, स्टैंड स्ट्रेट। जी, परफेक्ट। अभी पूजा को भेज दो फोटोजेनिक। हेलो हेलो जानू, कैसे हो? Who's this? भूल गए वो रात जब मेरे बदन के गर्म इंजन को तुमने प्यार का। कौन बोल रहा है? धक्का दिया था। हेलो, याद है तुम मुझे होटल नागराज लेके गए थे जब हमने दोस्ताना देखी थी? तो बाहर देखो, ये रॉन्ग नंबर है, इस पे फोन मत करना। ओ बॉय या माय दीदी, अन्ना ये सब बंद करो ना। आई मीन आप थक गए होंगे, आप जाके नहा धो लो, एमएमएस बाद में भेज देना। ओके चलो, मुझे मेरा कमरा दिखा दो। काम सेटिस्फाइड यार, पसीने छूट गए यार मेरे भी। चल चल। कृष्णा जी, अंकल आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं तो प्रसाद देने आया था। ओ, लेकिन आप भी क्या बॉय के साथ नाते हो? हाँ तो लाइफ बॉय साबुन के साथ नाने में इतनी शॉकिंग बात क्या है? इट्स योर फैमिली। मेरा फोन ना, समथिंग रॉन्ग? वो इसे ब्रेड की एलर्जी है, भूल जाता है। अच्छा,
मैंने सोचा मेरे फोन के बारे में सुनकर। क्या हुआ आपके फोन को? क्या हुआ? मैं टब में नारा था तो फोन टब के बाहर था। अच्छा। जब निकला तो टब के अंदर। जी। Strange, isn't it? आप जब टब के अंदर थे तो फोन बाहर था, आप टब के बाहर थे तो फोन टब के अंदर था। You were having phone trouble. How funny. कर क्या रहे हो आरुष? I don't think your brother likes me. Don't be silly, बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। सच्ची बोल रहा हूँ। आरुष, ऐसे ही घूरता रहता है मुझे। You're just imagining things. ऐसा कुछ नहीं है, okay? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तुम्हारा गला खराब है। नहीं तो? चन्ना। अन्ना। Sorry sir. ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। जा अपने कमरे में जाके सो जा। मुझे आरुष से कुछ बात करनी है। गुड नाइट अन्ना। आरुष। जी। मेरा बैग एयरपोर्ट पे किसी के साथ एक्सचेंज हो गया। सॉरी टू हियर अबाउट दैट सर। तुम्हारे पास पजामा है? जी अभी लाया। लीजिए आप पहन लीजिए। वैसे मैं रात को पहनने वाला था लेकिन मैं शॉर्ट्स में सो जाऊंगा। तुम ऐसे बेहुदा नाड़े वाले पजामे पहनते? जी इस नाड़े से ग्रिप अच्छी रहती है, रात को सोते वक्त पजामा उतर नहीं जाता, इसीलिए पहनता हूं सर। सो जाओ। जी इतनी जल्दी? सो जाओ। ठीक है सर, गुड नाइट सर। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी बीवी है ना। घेले हो तो नाटक में। हम नाटक ही कर रहे थे। ए, हेतल, तू जाके सैंडी के रूम में जाके सो जा। चल। अरे चल। ओके पापा। बाय। तू कहाँ जा रहा है? मैं आज तू मेरे साथ इस कमरे में सोएगा, मैं तेरे ऊपर नजर रखूंगा। हाँ। ओके पापा। केम छो मजामा पापा नो पजामा पापा प्यार का टांडिया रस खेले। तू क्या देख रहा है? तू आज जमीन पे सोएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? जी मैं बंकर बना रहा हूं क्योंकि रात को सोते वक्त मेरे हाथ पैर बड़े चलते हैं, आपको लग ना जाए। तुम्हें कैसे पता कि सोते वक्त तुम तुम्हारे हाथ पैर चलाते हो? जी सैंडी ने बताया। तुमने मेरे बहन के साथ कोई हैंकी पैंकी तो नहीं की? मेजर साहब मैंने किसी की बहन के साथ ना हैंकी की है ना पैंकी की है। अभी तक मैं प्योर I don't want to know. सो जाओ। जी गुड नाइट। स्लीप। सर आप ये मुझे सुबह सुबह कहां ले जा रहे हो? मेरा सूटकेस किसी किशोर समतानी के साथ एक्सचेंज हो गया, वही लेने जा रहा हूं। किशोर संतानी यानी बाप का कसीन?
मर गया। थैंक यू। वेलकम सर। तुम कहां जा रहे हो? मैं एक फोन करके आता हूं, एक ही। अरे सनन लोग, तुम कब आया? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी बेटी कहाँ है? वो घर पर है। घर पे? ओके चलो अंदर चलते हैं। जी मैं टॉयलेट करके आता हूँ। टॉयलेट? हाँ जी। अरे टॉयलेट तो अंदर भी है, ये मैंने धर्मशाला थोड़ी बनाया है। ये होटल भी तुम्हारा है, कैसीनो भी तुम्हारा है और टॉयलेट भी तुम्हारा है। चलो टेक दिस एंड कम। सर मैं सर जी मैं टॉयलेट हुआ। हाँ गो। ये आपका बैग यार। हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। Boy, get me a drink, quick. फोन कॉल हो गया। चलो तुम यहां तक आ गए हो तो मेरे साथ चलो, बैग रिटर्न करने। जी मैं नहीं आ सकता, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? मुझे अंदर जाना है। ठीक है मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूं। जी मैं तो यहीं जा रहा हूं। मिस्टर किशोर समतानी? हाँ? मेजर कृष्णा? ओ यस यस। वो मैंने आपका बैग देखा, मेरा बैग देखा तो सॉरी अबाउट दैट कंफ्यूजन। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? मैं अपने सननों का इंतजार कर रहा हूं, वो बाथरूम गया। और आप? हाँ मैं भी किसी का इंतजार कर रहा हूं। वो भी बाथरूम गया? या व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक्सक्यूज मी। श्योर। हेलो सननो। जी मैं आपके ऑफिस में हूं। तुम ऑफिस कब आए? हाँ मैं आप जब बैग एक्सचेंज कर रहे थे तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आपके ऑफिस चला गया। अच्छा अच्छा मैं अभी आता हूँ। आता हूँ। सी या। यस माय सन इन लॉ इज ऑलरेडी इन द ऑफिस। चलिए बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। मिशन सक्सेसफुल, बैग एक्सचेंज हो गया। ओह आई मिस्ड इट। चलो घर चलते हैं। जी मैं ले लूंगा। चलिए। चले। तुम्हारी बहन काम क्या करती है? हाइड। हाँ नहीं हाइड पार्क में एरोबिक्स सिखाती है वो बच्चों को। हाइड पार्क में एरोबिक्स सिखाती है? जी। चलो किसी ने चलते अभी तुम्हारे ब्रदर इन लॉ को यहां पर देखा। अच्छा चलो चलो मेरे साथ।